एमपी में उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और 72 घंटे पहले उपचुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। चुनावी रण में प्रचार करते हुए आज भी दिग्गज आपको नजर आएंगे। प्रचार थमने के बाद घर घर जाकर हालांकि जनसंपर्क किया जा सकेगा। आपको जानकारी दे दें, 30 अक्टूबर को एमपी में मतदान होना है। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 2 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ मतदान स्थलों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 72 घंटे पहले उपचुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि आज कहां कहां कौन से दिग्गज नेता मैदान में नजर आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज सभा होगी और रेगांव पृथ्वीपुर में वो जनसभा करेंगे। रेगांव पृथ्वीपुर में सभा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे। खंडवा बड़वाहा में उनकी आज सभा होनी है। और आपको जानकारी दे दें कि इस सभा में राजस्थान की भी एंट्री होने जा रही है, क्योंकि सचिन पायलट आज इस सभा में मौजूद रहेंगे। तो उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, तमाम दिग्गज आज मैदान में नजर आएंगे। और चलिए विस्तार से हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, आज आखिरी दिन तमाम दिग्गजों के पास मैदान में उतरने का, जनता को अपने पाले में करने का, लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मध्य प्रदेश के इस रण में राजस्थान की भी एंट्री होने जा रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की भी पूरी तैयारी इलेक्शन को लेकर। बिल्कुल जया, अब कुछ घंटे शेष रह गए हैं और आज दिन भर हमें 5 बजे तक ये देखने को मिलेगा कि जोर शोर से प्रसार में, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान, बी डी शर्मा आज रेगांव में हैं। थोड़ी देर बाद बी डी शर्मा यहाँ पहुँचने वाले हैं, मैं भी रेगांव में हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब भी निकलने वाले हैं और फिर एक सभा होगी, उसके बाद पृथ्वीपुर की तरफ निकल जाएंगे। यानी दिन भर आज सभाओं का दौर चलता रहेगा, लेकिन पूरी रात हमने देखा ये अलग अलग लोगों से मुलाकात करते रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उससे एक दिन पहले हमने बी डी शर्मा जी को भी वही करते जोबट में देखा था, फिर खंडवा में उनको देखा और खंडवा भी रात रुके थे शिवराज सिंह चौहान। तो आज महत्वपूर्ण यही है कि कैसे अब जो अपने कार्यकर्ता है, मतदाता है, उन तक पहुँचा जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं को तैयार करना बूथ तक पहुँचाने के लिए दिन भर ये प्रक्रिया दिखाई देगी, क्योंकि रात को भी यही सब चलता रहा। और जहाँ तक बात करें, आप बात कर रही थी बड़वा की, सचिन जो आने वाले हैं, सचिन पायलट, वो बड़ा अलग तरह का मुद्दा है उसमें समझ सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर गुर्जर वोट बहुत ज़्यादा हैं और सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके। तो एक रणनीतिक तौर पर कांग्रेस ने वहाँ पर सभा रखी है। सनाबत बड़भा में सभा होगी जिसमें कमलनाथ जी के साथ सचिन पायलट भी नजर आएंगे और गुर्जर वोटरों को अपने पक्ष में करने की कवायद होगी, क्योंकि सचिन बिरला की बात करें या फिर सचिन पायलट की बात करें, उसी समाज से, उसी वर्ष से आते हैं, तो जातिगत समीकरणों को भी साधना है, क्योंकि ये वही कुछ घंटे हैं जिसमें दोनों ही पार्टियों को अपनी अपनी तरफ से रिझाने का काम करना होगा, मतदाताओं को, मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने का काम करना होगा, और इसीलिए दोनों पार्टी के बड़े नेता आज मैदान में हैं। इसके अलावा और भी कई सभाएं हमें देखने को मिलेगी। अलग अलग मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा दोनों इस समय कहा जाए पार्टियों के लिए, दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लिटमस टेस्ट है 2023 और 24 से पहले का। बिल्कुल, आज आखिरी दिन है मनोज जी, लेकिन जनता किसके पाले में जाती है ये हमें 2 नवंबर को पता चलेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज राजस्थान के जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो भी सचिन पायलट, इनकी एंट्री यहाँ पर होने जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें, उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और 72 घंटे पहले उपचुनाव का प्रचार जो है वो थम जाएगा। बीजेपी कांग्रेस के पास आज आखिरी मौका है जनता को अपने पक्ष में करने का। जनसभाएं लगातार की जा रही है और आज भी तमाम दिग्गजों की जनसभा इन उपचुनाव वाले क्षेत्रों में हो रही हैं।